नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आया हूँ ESD जावा के शोरूम पर और शोरूम के अंदर मैं एंट्री करूँगा और देखूँगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कोई बाइक डिलीवरी हो रही है, देखते हैं कौन सी बाइक डिलीवरी हो रही है। अच्छा आपने लिए भैया? अच्छा तो कौन सी बाइक है ये भैया? जी ये है ESD रोस्टर। ESD रोस्टर, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आज मैं इसी बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पूरी जानकारी मैं इस गाड़ी के बारे में दूंगा, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कॉस्ट है, क्या माइलेज है, सारी जानकारी दूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सामने खड़ी है ESD की रोस्टर बाइक और मैं इसके बारे में पूरा रिव्यू आपको दूंगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं आया हूं आपका शिवा ऑटो पे, ESD का जो शोरूम है ये मैं बता दूं कहां पड़ता है, आगरा रोड CNG पेट्रोल पंप के जस्ट पास में। और एक पहचानो बता दूं, जस्ट रूसा हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे पड़ेगा जब आगरा रोड की तरफ जाएंगे। स्टेशन है और पूरी जानकारी मेरे साथ जो भैया जुड़ चुके हैं वो देंगे। भैया भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह, तो सर आप ही की जुबानी जानना चाहूंगा एक बार फिर से, इस गाड़ी का नाम क्या है? सर ये हमारी गाड़ी ESD रोडस्टर है सर। ESD रोडस्टर, अच्छा तो ये गाड़ी जो आती है कितने CC में आती है? सर 350 CC में है। 350 जी सर। तो कैसी मार्केट है, बढ़िया चल रही है गाड़ी? बहुत बढ़िया मार्केट है और सर आज भी हमने 3 गाड़ी सेल की है सर। अच्छा आज भी आपने 3 गाड़ी सेल करी है। तो ये मुझे ये बताइए इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी? सर 2022 में लॉन्च हुई थी। 2022 में लॉन्च हुई, 13 जनवरी 2022 में, अप्रोक्स 1 साल हो गया फ्रेंड्स इसको लॉन्च हुए। तो इसमें कितना CC का इंजन है? ये 350 CC है सर। अच्छा कितना NM टॉर्क है? नेट टॉर्क 29 सर। हाँ तो फ्रेंड्स अगर 29 का टॉर्क है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि रोड पे जो गाड़ी का पिकअप है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। माइलेज कितना देने वाली है? सर मैंने गाड़ी तो चलाई नहीं है, जो सर कस्टमर ने मुझे बताया है उन्होंने 35 या 38 के बीच में एवरेज मुझे बताया है सर। पेट्रोल में ये 1 लीटर में 35 से 38 किलोमीटर प्रति लीटर तक भाग सकती है। और सर मैं एक खासियत और बताऊं सर, इसमें बंद सिलेंडर है और लिक्विड कूल इंजन है सर। अच्छा। आप 48 से 72 घंटे तक नॉक स्टॉक गाड़ी चला सकते हो। अच्छा। अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हो, वैसे गाड़ी को रेस्ट नहीं दे सकते आप। कहने का मतलब ये इसका इंजन हीट ही नहीं होगा 48 से 72 घंटे तक। फ्रेंड्स देखिए, यानी कि मतलब भारत की पहली ऐसी गाड़ी है ये कि ये कभी 48 से 72 घंटे तक कंटिन्यू भी चला लोगे तो ये हीट इसका इंजन उस लेवल तक नहीं करेगा कि आप दूसरी जो बाइक्स होती है उनको रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, इस बाइक को आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब चलता रहे घोड़ा एक तरह का ये। अच्छा ये बताइए इसका जो टैंक है, इसकी टैंक में कितना लीटर तक पेट्रोल भर जाता है? 12.5 लीटर इसमें पेट्रोल आ जाता है। अच्छा अच्छा चलिए, काफ़ी मतलब मैं अभी देख पा रहा हूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त है। डबल डिस्क ब्रेक है, डबल ABS। अच्छा अच्छा इसका डबल डिस्क ब्रेक है। अच्छा इसका जो आगे का डिस्क ब्रेक का उसका साइज़ क्या है? मैं आई थिंक मुझे लग रहा है 320 mm का साइज़ है ना। गुड गुड गुड, 320 mm। पीछे का डिस्क ब्रेक जो है वो आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ 240 mm का फ्रेंड्स। राइट राइट सर, कुलदीप जी बताइए इसका टायर साइज़ कितना है? सर 18x17। अच्छा यानी कि जो इसका जो व्हील साइज है 18 इंची और 17 इंची है। राइट ओके ओके। दो फ्रेंड्स आपको जो गाड़ी दिख रही है वो ब्लैक और स्मोक ग्रे कलर में दिख रही है, काफ़ी जबरदस्त लग रही है और मैं देख पा रहा हूँ बहुत मजबूत लग रही है गाड़ी, मतलब जब आप इस पर बैठोगे ना तो सच में बहुत आपको ऐसा लगेगा कि किस पर बैठ गए, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ उस गाड़ी पर बैठ कर। मजबूती में तो कसम से नंबर 1 है, कुछ भी इस गाड़ी का बिगड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स मैं अगला जो मैं आपको फंक्शन बताना चाहूँगा वो पूरा उसका मीटर कंसोल के बारे में बताना चाहूँगा, तो आप कुछ इस मैं ऑन करके दिखाता हूँ किस तरह से ये ऑन होता है। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया और ये हाई लिख कर आया है और पूरी तरह से डिजिटल है इसका मीटर। इसमें बैटरी का इंडिकेशन है, आपका टेम्परेचर दिखा रहा है, ABS का दिखा रहा है, न्यूट्रल का दिखा रहा है और इंडिकेटर का भी दिखा रहा है और माल फंक्शन स्विच दिखा रहा है इसमें, यानी कि अगर इंजन में कोई खराबी हो जाती है वो भी डिस्प्ले होगा और पेट्रोल का इंडिकेशन भी दिखा रहा है। अब यहाँ दिख रहे हैं कि कितना पेट्रोल है आपकी गाड़ी में, MPT और फुल का सिग्नेचर भी दिखा रहा है और टाइमिंग का भी दिखा रहा है और कितने गियर में गाड़ी चल रही है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी पहला गियर में दूसरे गियर में तो वो भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। और इसमें ऑडोमीटर भी है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और कितने किलोमीटर से गाड़ी चल रही है वो भी, और आपका स्पीडोमीटर भी दिखा रहा है यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा। और इसमें हाँ मैं बता दूँ साइड स्टैंड रिमाइंडर भी है फ्रेंड्स, मैंने ये साइड स्टैंड लगा लिया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइड स्टैंड लिख कर आ गया है, काफ़ी ज़बरदस्त मतलब मीटर का जो उन्होंने शेप दिया गोल में और डिजिटल में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और ये यहाँ पर कुछ स्विचेस के बारे में बता दूँ, ये पासिंग स्विच है, आपको देख पा रहे हैं ये पासिंग स्विच है और यहाँ पर से आप क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं या मीटर के जो फंक्शन है यहाँ से सेट हो सकते हैं। और ये आपका इंडिकेटर स्विच आ जाता है, ये हॉर्न है, काफ़ी हार्श है हॉर्न की साउंड, मतलब बहुत तेज़ है और मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप रोड पे चलेंगे और हॉर्न बजाएंगे तो सामने वाला तो हट जाने वाला है। ये आपका हो गया स्टॉप इंजन पावर कट ऑफ स्विच
ये हजार स्विच हो गया, ये देखिए, ये मैंने हजार स्विच जला दिया, जो कि आपको इस समय विंटर सीजन चल रहा है, कोहरा होता है, और आपके ये जो इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और इसकी जो आपकी लाइट है, हेडलाइट है, पूरी तरह से आपकी LED है, और मतलब इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको उसको चला कर दिखा देता हूँ, उसकी लाइट को चल गई, देखिए ये लाइट है, और ये आपका हाई बीम और लो बीम आप देख पा रहे होंगे, और मैं इंजन की साउंड भी सुनाऊंगा फ्रेंड्स आपको। ये देखिए इंजन की साउंड, डबल साइलेंसर में ये गाड़ी आती है, इंजन की साउंड भी बहुत बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में। जो उसका फ्यूल टैंक है शेप, वो काफ़ी अच्छा दिया है, इसमें आपके रबड़ के पैड दिए हुए हैं, जो कि अगर आप समझिए मई जून का समय और आपकी टंकी जो बहुत हीट हो जाती है, तो ये पैड आपके जो आपकी थाइज होते हैं, थाइज को गर्म होने से बचाते हैं। ये ESD का 3D में आ जाता है, आपका इनका एम्ब्लेम जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये आ जाता है आपका फ्यूल टैंक के ऊपर, ESD का लोगो, ESD मोटरसाइकिल ट्रिप लिखा हुआ है, वो भी अच्छा लग रहा है, और फ्यूल टैंक का जो ढक्कन है उसके ऊपर भी ESD का लोगो और ESD की मार्किंग हो रखी है, वो भी काफ़ी जबरदस्त लग रही है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। डबल साइलेंसर है, जो कि आपको बहुत बेहतर साउंड देने वाली है गाड़ी। और पीछे ये आ जाती है आपकी बैक लाइट, जो कि आपकी LED में है। छोटा शेप है, एक अलग यूनिक स्टाइल है ESD वालों का, अपना जो जो कुछ चीज़ें करते हैं जो और कंपनी नहीं देती हैं। इंडिकेटर भी काफ़ी छोटे लग रहे हैं। ये आपका जाता है रिफ्लेक्टर पीछे की तरफ, ये नंबर प्लेट लगाने की जगह, और नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए नाइट में ये लाइट दे रखी है, जो कि ये भी बहुत बेहतरीन लग रही है। और ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, मैंने भैया से पूछा था ये किस चीज़ का लोगो है, तो वो बता रहे थे पहाड़ों की कोई देवी है, जो कि मतलब यानी कि भगवान की ब्लेसिंग भी इस गाड़ी के साथ है। तो अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो कुछ अनहोनी होने से इस गाड़ी ही बचेगी, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी रहती है किसी भी चीज़ के। और फ्रेंड्स मैं साथ के साथ बात करूँगा इसका जो अलॉय व्हील है, जो कि बहुत बेहतरीन लुक दे रहा है। मतलब इसका जो शेप है ना, ऐसे 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 करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके जो आगे वाले जो सस्पेंशन है, वो पूरी तरह से टेलीस्कोपिक है और रबर से कवर्ड है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपका जो टायर है इसका, वो ट्यूबलेस है आगे का और पीछे का। थोड़ा सा मुझे एक डाउट हो रहा था, बाकी चीज़ें तो मैंने खुद से बता दी, ये चीज़ क्या दिख रही है, ये कुछ? ये सर रेडिएटर है, रेडिएटर जी सर। इसका काम क्या होता है? ये सर बंद सिलेंडर है, लिक्विड कूल इंजन है सर। अच्छा, यानी कि इसको इंजन को ठंडा करने का काम होता है। ओके सर। इसके अंदर पानी पड़ता है? नहीं सर, कूलेंट पड़ता है इसके अंदर। कूलेंट पड़ता है? हाँ सर। अच्छा। आप जैसे सर 48 से 72 घंटे तक नॉन स्टॉप गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स जो फैसिलिटी है, यानी कि 48 से 72 घंटे तक गाड़ी हीट नहीं होती है, वो इसी रेडिएटर की वजह से होता है। इसके अंदर कूलेंट पड़ता है, जो कि इंजन को कूल रखने का काम करता है। सो फ्रेंड्स फाइनली अब पड़ाव आ जाता है। ये गाड़ी तो हमने पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं, आखिर ये गाड़ी कितने रुपए की मिलती है? तो भैया मुझे कुलदीप भाई बताएं इसका एक्शोरूम प्राइस कितना है? सर जी 2,01,167 रुपये की पड़ेगी आपको। 2,01,167 रुपये की पड़ेगी। फाइनेंस फैसिलिटी है यहाँ पर? जी। अच्छा, किस चीज़ से फाइनेंस, कौन सी कंपनी? जी सर टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल से। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि अगर कम से कम डाउन पेमेंट पे कितने में रुपए में ये गाड़ी निकल? 50-60 हज़ार रुपये में हो जाती है। मतलब 50 या 60 हज़ार रुपये तो आपके पास होने चाहिए अगर आपको ये गाड़ी अपने घर पर लेके जानी है। तो दोस्तों ये था रिव्यू ESD की रोस्टर बाइक के बारे में। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो मिलते हैं इसी तरह की जानकारी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।